हेलो ऑल। चलिए देखते हैं, आज हम MPLAB जो एक्स आईडीई है, जो नया आईडीई है, उसमें हम पहला प्रोग्राम यूजिंग असेंबली लैंग्वेज कैसे करते हैं वो देखेंगे। सो उसके लिए आपको MPLAB X IDE करना है और उसके साथ उसको स्टार्ट करना है। सो हम लोगों ने स्टार्ट किया है। पहले जब भी ये चालू होगा तो थोड़ा टाइम लेता है, बिकॉज इट लोड्स सब उसके लाइब्रेरीज एंड अदर फाइल्स। यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये है आपका प्रोजेक्ट विंडो, ठीक है। सो प्रोजेक्ट, अगर नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके रिलेटेड फाइल्स क्या है, अगर आप सी लैंग्वेज और अदर क्रॉस कंपाइलर्स के हिसाब से जा रहे हैं तो यहाँ पे क्लासेस में वो कौन से आपने फंक्शंस क्लासेस यूज़ किए वो दिखाएगा। ये एरिया में है लैब का डैशबोर्ड, कौन सा डिवाइस आप यूज़ कर रहे हो, मेन फंक्शन में क्या क्या है वो। ये वाला पार्ट आपका एडिटर वाला पार्ट है और यहाँ पे आपका आउटपुट दिखेगा। तो जो भी आपने बिल्ड करने के बाद सक्सेसफुली बिल्ड हुआ है नहीं हुआ है वो सब यहाँ पे दिखाएगा। चलिए आगे जाएंगे और देखेंगे नया प्रोजेक्ट कैसे बनाना है। सो फर्स्ट नीड टू क्लिक ऑन फाइल न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पे माइक्रोचिप एम्बेडेड एंड स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट, दिस इज द स्टैंडर्ड। हम लोग इसी को फॉलो करेंगे फिलहाल, बाकी चीज़ों के बारे में मैं आपको बाद में बता दूंगा। सो क्लिक ऑन नेक्स्ट। उसके बाद ये पूछेगा कि आपको सेव पर्टिकुलरली कौन सा डिवाइस सिलेक्ट करना है। यहाँ पे स्टेप्स दिखे, सो हम लोग जाएंगे पिक 16F877 के साथ। सो 877 ये 877 है, ए इज एन एडवांस्ड वर्जन, उसके साथ जाएंगे। क्लिक नेक्स्ट। फिलहाल हम लोग सिमुलेटर का यूज करेंगे, क्लिक ऑन सिमुलेटर। तो ये पूछेगा कि आपको MPSM जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में करना है कि आपको सी लैंग्वेज का यूज करके करना है। फिलहाल तो हम लोग असेंबली लैंग्वेज में देखेंगे और उसके बाद हम लोग उसका नया सी लैंग्वेज में भी कैसे करते हैं वो देखेंगे। सो क्लिक नेक्स्ट। ये पूछ रहा है कि कहाँ पे स्टोर करना है। सो वेल विल नेम इट एज लैब 1D, ठीक है। सो लैब 1 Day 1, सो उसके लिए फिनिश कर देंगे हम लोग। तो इसी के साथ ये प्रोजेक्ट बना देगा लैब 1_D। जो पहला प्रोजेक्ट मैंने बनाया था उसको हम लोग क्लोज कर देंगे, तो उसके ऊपर राइट क्लिक करना है और उसको क्लोज बोल देना है। अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सोर्स फाइल है, तो यहाँ पे सोर्स फाइल पे मैं न्यू बोलता हूँ और एक MPSM का जो पिक 8 बिट का हम लोग को एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाना है। तो हम लोग इसके साथ भी जा सकते हैं या नया फाइल बोल सकते हैं एंड जनरल बोल सकते हैं, नीड जनरल टेक्स्ट फाइल भी बोल सकते हो, उसमें कुछ चीज़ें चाहिए नहीं चाहिए वो भी रख सकते हो। तो ये बना देगा आपको एक नया फाइल। तो इसमें अगर देखते हैं तो उस थोड़ा सा कोड वो खुद पहले तैयार करके दे देते हैं, तो हम लोग को वो तो नहीं चाहिए। सो जैसे ही पहले हम लोग को इंस्टॉल किया हुआ जो टूल है वो यूज़ करना है, पहला कॉन्फ़िगरेशन बिट को हम लोग को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो हम लोग विंडो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो मेमोरी है जो हम लोगों को कॉन्फ़िगरेशन करना है तो उसका जो यहाँ पे है टारगेट मेमोरी व्यूज में हम लोग कॉन्फ़िगरेशन बिट पे जाएंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन बिट पे जाने के बाद वो पूछेगा कि एक्सटर्नल RC आपका ऑसिलेटर है क्या, या हाई स्पीड ऑसिलेटर है कि क्रिस्टल ऑसिलेटर है। सो विल सिलेक्ट क्रिस्टल ऑसिलेटर। उसके बाद आपको वॉचडॉग टाइमर ऑन रखना है, ऑफ फिलहाल हम लोग ऑफ रखेंगे। ब्राउन आउट रिसेट हम लोग ऑफ रखेंगे और जो लो वोल्टेज प्रोग्रामिंग है वो भी हम लोग ऑफ रखेंगे। सो फिलहाल हम लोगों ने सब कुछ ऑफ रखा है। हम लोग इसका सोर्स कोड जनरेट करने के लिए बोल देंगे, तो ये जनरेट किया है उसने सोर्स कोड उसका, हम लोग इस चीज़ को कॉपी कर लेंगे। जैसे ही हमने कॉपी किया यहाँ पे हम लोग को अपने प्रोग्राम में उसको पेस्ट कर देना है। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ये जो कॉन्फ़िगरेशन बिट है वो कॉन्फ़िगरेशन बिट आपके प्रोग्राम में स्टार्ट में होनी ही चाहिए। तो फिलहाल हम लोगों ने ये जो प्रोग्राम डायरेक्टली अवेलेबल हुआ है तो उसमें क्या किया है कि ये इंस्ट्रक्शन ली हुई है। हम लोग दूसरा कोई भी प्रोग्राम आपका जो भी है आप लिख सकते हो यहाँ पे।
फिलहाल ये लिटरल मूव LW इज एन मूव लिटरल टू द वर्किंग रजिस्टर W0x55 है। एकदम सिंपल सी चीज होती है और वो उसके साथ वो जो फाइल का कंटेंट है हम लोग क्या करेंगे मूव WF30H। तो ये 30H का जो जनरल पर्पस रैम लोकेशन है उस पे ये 0x55 मूव करेगा। तो हम लोग ये दोनों चीजें सेव करके उसको बिल्ड करने की कोशिश करें। जैसे ही मैंने बिल्ड किया तो ये स्टार्ट किया उसने प्रोग्राम को मेक करने का और बिल्ड सक्सेसफुल आ गया है। अब हम लोग को इसको रन करके देखना भी है। ओके, आगे जाएंगे। अभी हम लोग इसको इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को हम लोगों ने बिल्ड कर लिया है, इसको हम लोग अभी डीबग भी करेंगे। यहाँ पे अगर आप आइकॉन देखोगे तो ये डीबग आइकॉन है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये डीबगिंग प्रोसीजर चालू होती है। अब ये स्टार्ट पे आके रुका हुआ है। यहाँ पे अगर आप ऊपर देखते हो तो स्टेप बाय स्टेप और एग्जीक्यूशन, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन, कंटिन्यू रन का एग्जीक्यूशन या रीसेट करना या इसको स्टॉप करना, ये सब बटन्स ऊपर दिए गए हैं। फिलहाल हम लोगों को जब भी ये एग्जीक्यूशन होगा तो यहाँ पे जो मूव LW है वो वर्किंग रजिस्टर में जाने वाला है। तो ये वर्किंग रजिस्टर दिखेगा आपको SFR के अंदर। यहाँ पे एक SFR व्यू करके रहता है टारगेट मेमोरी व्यूज में। हम लोग उसको क्लिक करेंगे। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वर्किंग रजिस्टर दिख रहा है, तो उस वर्किंग रजिस्टर पे ये 55 कंटेंट आएगा। उसके बाद का इंस्ट्रक्शन है मूव WF, जिससे आपका जो भी डेटा है वर्किंग रजिस्टर में है, जहाँ पे अभी फिलहाल 55H है, तो ये जो डेटा है वो 30H जो रैम का लोकेशन है उसमें जाने वाला है। तो हम लोग रैम मेमोरी भी देख लेंगे। विंडोज पे क्लिक करेंगे टारगेट मेमोरी और फाइल रजिस्टर। तो यहाँ पे जो ये 30 लोकेशन है यहाँ पे आपका डेटा 55 आने वाला है। तो फिलहाल हम लोग स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन करके देखेंगे। फिलहाल क्लिक करेंगे, अंदर आ गया प्रोग्राम। अगले इंस्ट्रक्शन के बाद कंटेंट ऑफ W रजिस्टर अपडेट हो गया है। यहाँ पे अगर देखते हो तो 55 आ चुका है। आगे जाएंगे फिलहाल। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 55H आ चुका है। तो एक बार हम लोग वापस देखेंगे, हम लोग रिसेट कर लेंगे। ये रिसेट हो जाता है, इसे रिसेट कर दिया हम लोगों ने। जैसे रिसेट कर दिया, यहाँ के कंटेंट्स हम लोगों को नहीं चाहिए अगर आप वर्किंग रजिस्टर देखते हैं। या मैं फिलहाल स्टॉप कर देता हूँ डिबगिंग। अगर हम लोग 55 की जगह पे अगर कोई दूसरा वैल्यू डालना है हम लोगों को, 0x सपोज 23H, 23 विल बी द न्यू कंटेंट्स। तो हम लोग इसको बिल्ड कर लेंगे। बिल्ड करने के बाद हम लोग इसका डीबगिंग चालू कर देंगे। लेट्स स्टार्ट दी सिमुलेशन डीबगिंग और SFR पे ध्यान देंगे। ठीक है, SFR पे ध्यान देंगे। अगर यहाँ पे 00 है तो पहले जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे 23 आ गया। अब यहाँ पे फाइल रजिस्टर पे जाएंगे, यहाँ पे फिलहाल 00 कंटेंट है जो रिसेट किया था हम लोगों ने। तो ये 00 के साथ अगर मैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता हूँ तो वहाँ पे 23 आएगा। ऐसे ही हम लोगों को पूरे प्रोग्राम्स देखने हैं।